जैसा कि आपको पता है कि BNMU ग्रेजुएशन पार्ट टू का एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन लेने वाला है, यानी कि आप अगर आप पार्ट टू में हैं और अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो वो आप ऑनलाइन करेंगे, ऑफलाइन अब नहीं होगा क्योंकि अब एग्जामिनेशन फॉर्म जो वो ऑनलाइन ही आपको फिलअप करना होगा। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में BNMU पार्ट टू का एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन किस तरह भरते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको पूरे कंप्लीट प्रोसेस फिलअप करके बताने की कोशिश किया हूं, इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश करूंगा चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको हर तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले इस जगह पे इस चैनल पे आपको सर्टिफाइड जानकारी मिलती रहे। तो चलिए BNMU पार्ट टू का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना जानते हैं। उसके लिए गूगल पे आएंगे, गूगल पे आप आएंगे उसके बाद आपको लिखना होगा यानी सर्च करना होगा जीशान मॉनिटर। ये जी हाँ चैनल का जो नाम वही लिखेंगे गूगल पे आप जीशान मॉनिटर, जैसे आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा jeeshanmonitor.in की वेबसाइट, इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप jeeshanmonitor.in की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो कुछ इस तक सेंटोफेस वेबसाइट को आपको दिखने को मिलेगी। यहाँ पे एडुकेशन सेक्शन में आप देख सकते हैं BNMU ग्रेजुएशन पार्ट टू एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोस्ट ओपन हो जाएगी, जो जिस पोस्ट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, इस पोस्ट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे ताकि आप डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट के इस पोस्ट पे आ सकते हैं जो कि आप देख पा रहे BNMU ग्रेजुएशन पार्ट टू एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप। यहाँ पे उसके बारे में बताएंगे, इनपुट डेट जो है कब से शुरू हुआ, कब तक होगा, लेट डेट यानी कि लेट फाइन के साथ कब तक, कब शुरू होगा और लेट फाइन के साथ कब तक जमा होगा और कौन सी कैटेगरी क्या चार्ज लगेगा, वो सारी चीज आपको यहाँ पे डेट और फीस दिखा देते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वो यहाँ पे दिखेंगे और यहाँ पे नोट भी है। और यहाँ पे आपको BNMU के कॉन्टेक्ट डिटेल यानी कि हेल्पलाइन नंबर और यहाँ पे आएंगे सम यूजफुल इंपोर्टेंट लिंक है, क्या वो क्या करना, ऑनलाइन अप्लाई के सामने जो क्लिक है इस बटन पे आपको क्लिक करना, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देंगे। जितने भी स्टूडेंट अभी पार्ट टू में है जिसका भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा सभी को उसको उसके रजिस्टर मोबाइल पे यानी जो मोबाइल नंबर आप पार्ट वन में दिए थे रजिस्ट्रेशन करते समय वही मोबाइल नंबर पर आपको आईडी पासवर्ड भेज दिया गया है। ठीक है, जो पार्ट वन का आपका आईडी पासवर्ड था वही आपको पार्ट टू का होगा, इसलिए यूनिवर्सिटी ने फिर से सभी स्टूडेंट के मोबाइल पे आईडी पासवर्ड भेज दिया है। ठीक है, कल परसों गया होगा, सभी को आईडी पासवर्ड भेज दिया गया है। BNMU को अपना मोबाइल SMS चेक कर लेंगे या ईमेल भी चेक करेंगे, पार्ट वन वाला जो आपका यूजर आईडी पासवर्ड था वही यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे यूजर आईडी देंगे, पासवर्ड देंगे और इस कैप्चर को यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तक सेंटर पेज दिखने को मिले, यहाँ आपका फोटो नाम और आपका आईडी, यहाँ से आप अकाउंट को लॉग आउट कर सकते हैं। बहुत सारी डिटेल आपको मिलेगी, माय प्रोफाइल है, यहाँ पे आपको मिलेगा एग्जामिनेशन फॉर्म, नहीं एग्जाम फॉर्म क्योंकि हम एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो यहाँ पे एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दिखा देगा डिग्री वन के अप्लाई के लिए, यहाँ पे अगर आपको ये नहीं शो करता है तो इसका तीन कारण में से कोई एक कारण हो सकता है जो आपको यहाँ पे बताया गया है, यानी कि मेरे केस में इस स्टूडेंट का शो कर रहा है। अगर आपके केस में ये जो डिटेल है फिलअप फॉर्म का ये ऑप्शन नहीं शो कर रहा है तो यहाँ पे तीन कारण दिए गए, इस तीन कारण में कोई एक कारण होने की वजह से आपका आप में ये नहीं शो कर रहा है। तो चलिए मेरे में ये शो कर रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं BA है ऑनर्स यानी कि सेकेंड ईयर का है जो कि आप सब्जेक्ट देख सकते हैं और इसका हम सेकेंड ईयर का फॉर्म फिलअप करेंगे, यहाँ पे फील एग्जाम फॉर्म है, इस फील एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह यानी कि पिछला जो क्लास है यानी कि पार्ट वन में जो आपको कौन से पेपर में कितना मार्क आया, यहाँ पे देखिए जैसे कि पेपर वन है, पेपर वन कितना मार्क का था और कितना मार्क आया वो सारी डिटेल आपको देना होगा। यहाँ पे कह रहा है प्रीवियस यानी कि पिछला जो आपका कोर्स था उसमें क्या मार्क है, यानी कि जब BA पार्ट टू का हम एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो हमारा पिछला क्या हो जाएगा, BA पार्ट वन हो जाएगा। तो यहाँ पे BA पार्ट वन की वही सब्जेक्ट आपको दिखाई देंगे जो आपके BA पार्ट वन में था, जैसे कि मेरे केस में इन स्टूडेंट का ये सभी सब्जेक्ट BA पार्ट वन में था तो उसी में से पूछ रहा है कि पेपर वन में आपको कितना का एग्जाम था, पेपर वन 100 का था उसमें कितना आया वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, इसी तरह पेपर टू कितना का था वो आपको यहाँ पे डालना होगा और पेपर टू में कितना मार्क आया होगा, यानी कि सब्सिडी जो आपका था तो यहाँ पे इसके केस में ज्योग्राफी है तो ये कितने मार्क का आपका एग्जाम था, 100 मार्क का था, कितना आया वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसी तरह सभी सब्जेक्ट प्रैक्टिकल जो था सब्सिडी वो कितने का था, कितना आया, और सब्सिडी हिंदी कितने का था, कितना आया, और राष्ट्रीय भाषा हिंदी कितना का था, कितना आया, ये सारी डिटेल आपको BA पार्ट वन की देना, उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्टूडेंट की सारी डिटेल दे चुके हैं BA पार्ट वन का, उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो
उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, यानी कि आपका पार्ट वन का जो मार्कशीट था उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। यहाँ पे क्लास का रोल नंबर डालेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है अपडेट कर सकते, इस डिटेल को अपडेट करके उसके बाद नेक्स्ट पे जाना है। चलिए हम ये डिटेल दे चुके हैं, उसके बाद अपडेट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अगर अपडेट नहीं करना चाहते आप डायरेक्ट नेक्स्ट पे भी जा सकते, लेकिन अच्छा होगा कि आप डिटेल डालने के बाद अपडेट करें, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। चलिए हम फटाफट ये डिटेल डालते हैं और यहाँ पे अपडेट बटन क्लिक करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर दिए, अपडेट बटन पे क्लिक किए, उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी जो आप देख पा रहे हैं, आपकी पेपर सभी यहाँ पे दिखाई देगी। तो आपने देखा यहाँ पे, यहाँ तक आने के बाद आप कह रहे हैं पीछे जाने के लिए, लेकिन आगे जाने का या पेमेंट करने का ऑप्शन कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब अभी ये लग रहा है कि पेमेंट करने का जो ऑप्शन है वो नहीं दिया गया है, यानी कि पेमेंट नहीं लिया जाएगा। पेमेंट अगर लिया जाएगा तो आपको यहीं पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको PDF की मदद से बता देता हूँ। तो अगर देखिए अभी जो है पेमेंट नहीं लिया जा रहा है, अगर पेमेंट लिया जाएगा तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होगा। और चलिए PDF के माध्यम से जानते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी दिखाएंगे कि मैं जूम कर लेता हूँ इस PDF को, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको फी दिखाएंगे कितने फी है, उसके बाद आपको यहाँ पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ना होगा। लेकिन अभी जो यहाँ पे पेमेंट के लिए नहीं बता रहा है तो इसका मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म का जो पेमेंट आपको ऑनलाइन में नहीं लगेगा। अगर भविष्य में लगता है तो यहीं भी आपको पे का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से आप पेमेंट कर सकते। चलिए हमारा जो ये अप्लाई हो चुका है एग्जामिनेशन फॉर्म, अब हम होम पे क्लिक करेंगे। देखिए पहली बार अब YouTube पे आपको BNMU के पार्ट टू के एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में वीडियो मिल रहा है जो कि कम्प्लीट मिल रहा है। तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म जो हुआ हमने फिलअप कर दिया, लेकिन कोई भी पेमेंट नहीं किया, कोई भी रिसिप्ट नहीं मिला। उसके लिए रिसिप्ट और डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको डाउनलोड फॉर्म मिलेगा, तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे आप डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह, जैसे कि मैंने अभी अप्लाई किया तो वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे एग्जाम फॉर्म है यानी कि रजिस्ट्रेशन कार्ड, इस पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड फॉर्म की यहाँ पे एग्जाम फॉर्म के नीचे डाउनलोड बटन है, इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने डाउनलोड फॉर्म हो जाएंगे। ये जो है डाउनलोड मतलब रजिस्ट्रेशन पेज जो कि आप देख पा रहे हैं, समय यहाँ पे 16 दिसंबर 2021 को 12:45:45 में हमने इसको सबमिट किया था, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो ये मेरा रिसिप्ट है इस मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने फिलअप कर दिया, ये रसीद मिल गया है। और इसका मुझे रजिस्ट्रेशन अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ पे हम प्रिंट इनरोलमेंट लेटर भी क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन भी डाउनलोड कर पाए, यहाँ से हम प्रिंट इनरोलमेंट लेटर पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और अभी जो मैंने पार्ट टू एग्जाम का फॉर्म फिलअप किया वो लेटर हम यहाँ से एग्जाम फॉर्म पे जाकर डाउनलोड करेंगे। यहाँ तक कैसा पहुंचा जाए, होम पे चलेंगे हम फिर से, और फिर से हम यहाँ आएंगे। पहले आपको एग्जाम फॉर्म पे क्लिक फॉर्म भरना है, एग्जाम फॉर्म पे आपको पिछले कोर्स का पिछले बीए पार्ट वन का डिटेल देना है, उसके बाद आपको डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करना है। डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करने कुछ इस तरह जिसको मैंने फिलअप किया यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे एग्जाम फॉर्म के नीचे डाउनलोड का बटन है उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका PDF जो वो डाउनलोड हो जाएगा। उस PDF को प्रिंट करके और बीए पार्ट वन का जो, तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक कर ये फॉर्म के साथ बीए पार्ट वन का मार्कशीट और रजिस्ट्रेशन कार्ड, ये मतलब डॉक्यूमेंट लेकर, और आपको पेमेंट लेके देना, जो भी कॉलेज आपसे पेमेंट मांगे वो पेमेंट देकर आपको ये फॉर्म को जमा कर देना आपको कॉलेज में, यानी ऑनलाइन में आपको इतना ही करना है। इतना करने के बाद आपको जो फॉर्म मिलेगा यहाँ से, उस फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज जाना है, जिस कॉलेज में आपका नामांकन है उस कॉलेज में आपको जमा कर देना है इस फॉर्म को, और जो भी आपको पेमेंट मांगेगा वही कॉलेज में ही मांगेगा, क्योंकि अभी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी कोई पेमेंट नहीं ले रहा है, इसलिए आपको ऑफलाइन फॉर्म के साथ ही पेमेंट जमा करना होगा। उम्मीद करेंगे आज की इस वीडियो में आपने कंप्लीट प्रोसेस जाना होगा बीए पार्ट टू का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का। YouTube पे पहली बार आपको बीए पार्ट टू का एग्जामिनेशन फॉर्म लाइव करके दिखाया गया है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में PDF के माध्यम से बताया गया है, लेकिन हमने लाइव आपको करके दिखाया है। फिर से मैं आपको बता दूं कि एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करके फॉर्म भरेंगे, उसके बाद यहाँ से डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी के लिए आप जीसान मॉनिटर के इस वेबसाइट पे आप रेगुलर तो आप इस ब्लॉग पे इस वेबसाइट पे रेगुलर आते रहे, इसी तरह के पोस्ट आपको सर्टिफाइड पोस्ट मिलते रहे, और आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के नॉलेजफुल जानकारी वीडियो आपको मिलते रहे इस चैनल पे।